गुड मॉर्निंग, आज है 17 सितंबर और हो रही है 7। तो 7 बज गई है, वर्कआउट चालू कर रहे हैं हम लोग। लेट उठे हैं, उठे टाइम पे हैं। लेट नहीं उठे, 5:30 बजे उठे। ये ना पेट साफ होने में टाइम लगता है, तो हम वर्कआउट कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो एक्सरसाइज हम लोगों की हो गई है, बट ये मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा है इस चक्कर में। आज आ रही हूँ मीति के साथ में। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। मैं फटाफट जैसी थी वैसे उठ के आ गई हूँ। हम दोनों मैच भी कर गए, पिंक ब्लू। आज परफेक्ट मैच किया है, पिंक ब्लू मस्त लग रहा है। कितने रंग बिरंगे है ना हम लोग, मजा आ गया कलर देख के। रोशु एकदम तैयार नहीं बैठी थी, रोशु चिल कर रही थी घर में, खाना वाना खा के बैठी हुई थी। मुझे बाय करने के लिए बाहर आ रही थी और अचानक मेरा फोन बजा, ट्रिंग डिंग डिंग। मैं बोला कि कौन, तो हम लोग ने मम्मी के यहाँ पर एक कनेक्शन चेंज करवाया, जियो का लगवा रहे हैं। तो वहाँ कनेक्शन वाले का फोन आया था, उनको भी मैंने जियो वाला बना ही दिया। आई लव मुकेश अम्बानी, इसलिए मैं सब तरफ जियो ही लगवा रहा हूँ। तो हम लोग ने एयरटेल का कनेक्शन कटवा दिया है, जियो का लगवा लिया है। तो मम्मी के घर पर कनेक्शन लगाने वाला बंदा आने वाला है, इसलिए रोशु वहाँ जा रही है, क्योंकि यू नो थोड़े से बुजुर्ग लोग जितने होते हैं ना, वो लोग है ना ध्यान कम देते हैं सैनिटाइजेशन और उनको समझ भी नहीं आएगा कि क्या करवाना है। हाँ। वो बोलेंगे क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, सब अच्छा तो है। हाँ, और एकदम से उनसे हैंडल नहीं होता, तो एक बंदा घर पे होना चाहिए जो थोड़ा सा समझदार हो। ये समझदार नहीं है, मेरे को रुकना पड़ता। हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं हमेशा की तरह, और मैं आ गया। हम घर जा रहे हैं, पर घर जाने से पहले हम लोग आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम, व्हाट, वाओ। और अमूल की आइसक्रीम हम लोगों की फेवरेट है। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर गिविंग सो मच लव टू आवर व्लॉग। यस, थैंक यू। सब लोगों को बहुत पसंद आया हम लोग का ड्रोन वाला व्लॉग। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग को पसंद आया। Keep giving your love, that's all we need. तो रोशु की फेवरेट आइसक्रीम तो मतलब इतना रद्दी फ्लेवर है जो लोग बोलेंगे ए ये कौन सा फ्लेवर पसंद है। रोशु को वेनिला आइसक्रीम पसंद है। वेनिला, स्ट्रॉबेरी, बेसिक फ्लेवर्स होते हैं। यस, मुझे बेसिक ही पसंद है, क्योंकि बेसिक में जो टेस्ट है ना वो इर्द गिर्द में नहीं है। इर्द गिर्द में, इसके इर्द गिर्द वाली, इर्द गिर्द वाली में, इर्द गिर्द में नहीं मालूम। तो ये आ गए हम एमुल पार्लर, और मीति जाएगा क्योंकि जो बाहर से आता है वही जाता है। मीति देखना एक आइसक्रीम लेने गया है, वहाँ पर उसको फ्लेवर ज्यादा दिखेंगे, और ये ना ढेर सारी आइसक्रीम उठा के लाता है। फिर बाहर की आइसक्रीम खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर की जो आइसक्रीम है वो तो फ्रोजन है, बहुत दिन पहले बनी हुई होती है। इस बंदे के पास में आइसक्रीम मेन्यू में तो बहुत सारी है, ऐसा लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, पर जब उससे पूछो ना तो गिनती की 5-6 आइसक्रीम बोलता है, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अंकल प्लीज आइसक्रीम थोड़ी सी ज्यादा रखो। पति का मुंह हमेशा बंद रहना चाहिए, ऐसा नहीं उल्टा होता है ना, औरत का मुंह बंद रहना चाहिए। भाई कौन बोला ऐसा, पति का ही मुंह बंद होता है बेचारे का। माँ इतना सारा रसगुल्ला ना चॉकलेट लेके, अब डार्क वाली। मैंने बोला था ना कि मीटी गया है, देखना एक चॉकलेट में आइसक्रीम मांगूंगी, ढेर सारी लेके आया, डब्बा भर के लेके आया। पैनकेक खाएंगे हम, तो पैनकेक में आइसक्रीम डालेंगे, अलग सा ही आनंद आ जाएगा जिंदगी में। तो मीटू का डब्बा, oh my god, तो मुझे मोटा कर देगा। और अरे तो बबली अच्छी लगती है तू। तो प्लान में चेंज है, बन तो पैनकेक ही रहा है और होल व्हीट वाला ही बन रहा है। आप लोग चाहो तो मैदे का बना सकते हो, रिफाइंड फ्लावर का। तो मैं बना रहा हूँ। अरे यार मीति क्या बोल रही है, मेरे को बुला। मैं बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? हाँ, तो मैं बना रही हूँ बना रहा हूँ। तो पैनकेक के लिए आपको ऐसा एक स्ट्रेनर रखना है, उसमें डालना है होल व्हीट फ्लावर, आप आटा, शुगर, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, मेरे पास में वनीला नहीं है, वनीला एसेंस, इसमें आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसके अंदर आइसक्रीम और चॉकलेट डालेंगे तो इवन हो जाएगा। थोड़ा सा नमक सॉल्ट छान लेंगे। अब इसमें डालना है आपको दूध, मिल्क, एंड मिक्स मिक्स मिक्स। तो ये हो गया एकदम रेडी, देखो ऐसा होना चाहिए स्मूथ बैटर। इधर करना है आपको पैन गरम, इसमें डालेंगे हम बैटर, और बस फ्लेम स्लो कर दो। तो ये जैसे ही बैटर वेट है ये अपने आप ड्राई हो जाएगा,
उसके बाद उसको फ्लिप करना है। तो ये एकदम ड्राई हो गया है, दिख रहा है सिर्फ बीच का हिस्सा थोड़ा सा है, तो आप उसको आप फ्लिप करो और ये देखो हो गया है। और ये होल व्हीट का है, आटे का है, इसलिए थोड़ा सा चेंज रहेगा, बट अगर आप मैदे का बनाओगे तो एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा। तो मैं ऐसे ही और बना लेती हूँ और फिर इसकी करते हैं प्लेटिंग। अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। मैंने लिए हैं 2 पैनकेक और ये है मेरे पास में ओरियो चॉकलेट बिस्किट का बूरा, उस पर डालूंगी और इसके ऊपर जाएगा एक आइसक्रीम का स्कूप कि आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी। मैं बनाना एंड ये वॉलनट एंड कैशू डार्क चॉकलेट, मैं मैंने लगाया एक ओरियो चॉकलेट बिस्किट, शुगर एंड लास्ट में डलेगा सिनेमन हल्का सा बस। आप इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हो बट हम लोग इतना ही काफ़ी है, बहुत हैवी हो जाएगा। इट्स रेडी, झटपट बन जाता है, फटाफट बना लो। कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आइसक्रीम चाहिए और एक पति चाहिए जो ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट लेके आ सके। बाय। 10:30 बज चुकी है और हम लोग आज थोड़ा जल्दी सो रहे हैं क्योंकि कल हम सब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको कल देखने मिलेगा। देखते रहो हम लोगों के ब्लॉग्स एंड हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके बाय, कल मिलेंगे।